फूड टोनी का फूड, टोनी फूड खाएगा, फूड खाएगा, रुको मैं भी लाया, आ जाओ, रुको रुको रुको, देखो फूड की ट्रेनिंग तो इसकी हो रखी है, मैं इसको जब भी फूड बोलता हूँ तो भाग के आ जाता है, आपने देखा स्टेयर से वापस भाग रहा था तो आ जाता है। तो पहली चीज ये स्टेयर चढ़नी और उतरनी सीख गया है, मतलब इतना डरता था स्टेयर से, लेकिन जैसे मैंने कभी कभी इसको अपनी हेल्प से उतारा स्टेयर से और हेल्प से चढ़ाया भी, तो थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, तो अभी स्टेयर अपने आप चढ़ जाता है उतर जाता है। अच्छा फूड बोलोगे तो ये भाग के आएगा, टोनी फूड, देखा, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, आ जाओ फूड देंगे, अब मैं इसको नीचे ले जाता हूँ और इसको हम फूड देंगे, आ जाओ चलो नीचे आ जाओ कम, चलो 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 कम, फूड देंगे फूड, देखो जाओ चलो चलो चलो, अच्छा मेरे पास पीछे पीछे आ जाओ, चलो चलो जाओ चलो फूड देंगे, गो गो ओए तो टोनी यहाँ पे मैंने एक्चुअली मुझे वीडियो थोड़ा सा इमीडिएटली मैंने बंद करके पहले ये देखा कि भाई इसको कुछ हुआ तो नहीं है, चोट वोट तो नहीं लगी, तो ही इज़ परफेक्टली फाइन, कोई चोट नहीं लगी आज उसने अपना मूवमेंट में कुछ मिस्टेक कर दी, तो ही वॉज बिट एक्साइटेड अबाउट फूड, तो वो थोड़ा जल्दी में था, भूखा था तो बहुत तेजी से भाग रहा था तो स्लिप हो गया, अरे यार नीचे इसमें क्यों गिर गया, बट ही इज परफेक्टली फाइन। और ये होता है, एक्सीडेंट्स हैपन, टोनी के साथ आज एक्सीडेंट हो गया, वैसे बहुत डरता था स्टेयर से, उसका डर निकल चुका था, मुझे नहीं लगता कि डरेगा, इज फाइन, इसको चोट वोट तो नहीं आई बिकॉज फर्स्ट के काफ़ी क्लोज था सरफेस के, तो अगर स्लिप भी हुआ तो बहुत आराम से धीरे 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 स्लिप हुआ, ओनली थिंग इज कि नीचे जाके किसी चीज़ से बहुत तेज़ी से टकराया नहीं, बिकॉज उसमें चोट लग जाती, बढ़िया टोनी ने सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना सीख लिया है गिवन आज टोनी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गया और मैं इसको डाल भी इसी ले रहा हूँ वीडियो में कि ठीक है यार इट्स फन एज वेल, एंड ऑन अदर हैंड डेफिनेटली अब जब डॉग नई चीज़ें सीख रहा हो तो आप उसके साथ रहें, आप उसको वॉच करें, ऐसा ना हो कि वो कोई बड़ी मिस्टेक कर दे, चोट लगा ले, फॉर एग्जांपल वो मेरे सामने गिरा तो मैंने देखा, मैंने वीडियो को रिवाइंड करके भी देखा कि भाई कहीं इसको चोट तो नहीं लगी या बहुत तेज़ी से तो नहीं लगा, सो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, मतलब लगी ही नहीं है कायदे में, एंड इज़ परफेक्टली फाइन, एंड देखो कैसे गपा गप खाना खा रहा है, तो मैं इसको खाने में जैसे ये अभी 2 months 1 week का हो चुका है, तो फिलहाल मैं इसको दे रहा हूँ ये रॉयल कैनिन्स लैब्राडोर वाला, सो इससे इसकी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई है, स्किन प्लस इसके जो बाल हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं, एंड इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, एंड आई यूजली चेक हिज मसल्स एंड ही इज़ लाइक डूइंग वेरी गुड, लुक्स लाइक ही इज गोइंग टू बी अ हैवी बोनर, अच्छा हैवी बोन का कुत्ता बनेगा ये, बट ही इज़ मेकिंग गुड प्रोग्रेस, हेल्दी है पूरी तरह से, बस एक ही छोटी सी प्रॉब्लम है, इट ट्राइज टू बाइट माई हैंड्स एंड माई फीट, सो उस प्रॉब्लम को भी हमें सॉल्व करना है, जैसे उसका इलाज मैंने थोड़ा सा रिसर्च की, तो ये है कि आप भागे ना इधर उधर, या पैर को खींचे ना या हाथ को खींचे ना, रादर यू जस्ट से नो नो यू लाउडली से दिस दैट नहीं तुम गलत कर रहे हो, सो ही विल रियलाइज, अब कभी कभी फिर भी भूल जाता है, सो उसके लिए फिर हम इसको ट्रीट देना शुरू करेंगे आगे से, जब ऐसा करता है और जब नो बोलते हैं छोड़ता है तो हम ट्रीट देंगे कि गुड बॉय, सो ही विल अंडरस्टैंड कि नाउ ही इज
डन द राइट थिंग। तो उसने जितना खाना था खा लिया है एंड लुक्स लाइक कल रात पॉटी एक्सीडेंट किया है, यूजुअली इसके अंदर कर देता है बट आज बाहर किया हुआ है। बट इज फाइन, अभी हम इसको और ट्रेन करेंगे। एक्चुअली रात को अब 2-3 बजे उठ के जाना अपने लिए भी पॉसिबल नहीं है, सो कीप हिम आउटसाइड हेयर नियर द आउटर गेट। सो इफ ही डू इट इन दिस गुड, इफ यू डू नियर बाई एरिया वी जस्ट क्लीन इट अप एंड वी आर ऑल्सो लाइक मेकिंग हिम टू अंडरस्टैंड। हम उसको समझा भी रहे हैं कि भाई घर में नहीं करना है। सो ही डू पॉटी, अगर मैं उसे खुला छोड़ दूंगा, सी व्हाट इज डूइंग। अभी जो लकड़ी का जो सामान है उसमें ऐसे ही एक्सप्लोर करता रहता है, बट अगर मैं इसको खुला छोड़ दूंगा पूरी तरह से तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, आप पहले डॉग को क्लोज्ड ऑब्जर्वेशन में रखें, धीरे धीरे उसको सिखाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज इसने 6:15 बजे शोर मचाना शुरू कर दिया, तो मैं समझ गया 2 में से 1 चीज़ है, या तो इसको प्यास लगी है या इसको पॉटी जाना है या इसको भूख लगी है, 3 चीज़ें हैं। तो भूख के आसार कम होते हैं बिकॉज उससे पहले वो पॉटी चला जाता है। थोड़ा सा इसका रूटीन ऐसा है कि इसको पहले पॉटी करनी होती है, फिर ये खेलता है, फिर खाना खाता है। अब ये अपना रेस्टिंग मोड में आ गया, तो अभी मैं यहीं पे वीडियो को फिनिश करता हूँ। एंड आज का जो एक्सीडेंट था दैट वाज लाइक दैट्स फाइन एक्चुअली, बिकॉज योर डॉग वाज एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत अच्छे से खेल रहा था ऊपर, और जब मैंने उसको फूड के लिए बोला तो और भी एक्साइटेड हो गया, डबल एक्साइटेड हो गया। आपने देखा ही होगा मेरे आगे आगे भाग रहा है, पीछे भी नहीं, मेरे आगे आगे भाग रहा है, जैसे कि उसको पता है कि एग्जैक्टली खाना कहाँ पर है, विच इज़ दिस प्लेस, यहाँ पर। तो इसलिए वो पहले ही मतलब वॉलेंटियर करके आगे भाग रहा था कि नहीं मैं पहले पहुँच जाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। बट नाइस यार, आज तो मज़ा आ गया। आज के टोनी की 45 मिनट की एक्सरसाइज और जो रूटीन है आज, तो इसने कमाल कर दिया, बहुत बहुत अच्छे से, बहुत एक्टिवली खेला है, बहुत बढ़िया किया आज इसने। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टोनी, ओ टोनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टोनी। चलिए थैंक यू, आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।